Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Shehan YouTube channel, working for the betterment of society. And ladies and gentlemen, I am Saeed Sheikh. Today our topic is leadership. Aaj ka topic leadership hai, aur leadership means rehnumai, the leaders. Hamare paas obviously international leaders, national leaders, political leaders, religious leaders. जहाँ भी हम ऑब्वियसली हर जगह पे कंपनी में काम करते हैं, किसी ग्रुप में काम करते हैं, सीईओ साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, ऑब्वियसली दे आर लीडर्स, आवर बॉसेस आर आवर लीडर्स, आवर मैनेजर्स आवर लीडर्स, एवरीवेयर देयर इज अ लीडर, देयर इज अ फॉलोअर्स, एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लीडर्स, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फॉलोअर्स, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में लीडरशिप पे हम ऐसा भी बात करते रहेंगे, ये आज के शॉर्ट वीडियो में हम लीडरशिप की उस क्वालिटी की बात करते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने लीडर्स से। पॉइंट यह है, हम अपने लीडर्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बहुत कुछ करते हैं बिकॉज वी वांट टू फॉलो अवर लीडर्स। फिर हम लीडर को क्रिटिसाइज भी करते हैं, फिर उन्हें बताते हैं कि अगर हमारे ये लीडर के फलाने ने ऐसे किया, अगर ऐसे करता तो ऐसे करता। अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं, कंट्री की बात कर रहे हैं, किसी और भी स्पीकर के बारे लीडरशिप में फॉलोअर्स भी हैं, अच्छे फॉलोअर्स हैं, रिजिड फॉलोअर्स भी हैं और कोई सेमी फॉलोअर्स हैं, कहीं ना कहीं फिर एक्सपेक्टेशन में गैप आ जाता है। मैं आज आपकी तो ये बात पे दिलाना चाहता हूँ कि ये जरूर याद रखें कि हायरार्कीज में, ठीक है, हमारे लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं हम भी लीडर हैं, बल्कि बहुत जगहों पर हम लीडर्स की बात तो करते हैं, कहीं हम भी लीडर हैं। अगर हम फैमिली में फादर हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, एक फैमिली के फैमिली सिस्टम है, somebody is leading us, somebody is and we are following, and somebody is our, and many are following us. कोई इसको हम लीड कर रहे हैं, कोई हमें फॉलो भी कर रहे हैं, कोई हमें लीड कर रहे हैं। कम्युनिटी में भी ऐसे आपको नजर आते हैं, और किसी अगर जॉब करते हैं तो सीईओ साहब तो एक लीडर हो गए ना, हर डिपार्टमेंट के हेड जो है वो भी एक लीडर है, मैनेजर साहब भी एक लीडर है, अपनी टीम के लीडर। जो हम अपने लीडर से एक्सपेक्ट करते हैं शुड बी ऐसे उन्हें होना चाहिए, चाहिए लॉट ऑफ चाहिए। तो मैं आज आपकी तो ये दिखाना चाहता हूँ कि हम भी जिनके लीडर हैं, चाहे वो छोटा ग्रुप है, ऑब्वियसली कहीं कोई बड़ा ग्रुप है, कहीं का छोटा ग्रुप है, कहीं अगर मैं सीईओ हूं तो मेरा उस हिसाब से ग्रुप है, अगर मैं सीएफओ हूं, अगर मैं चीफ इंजीनियर हूं, या अगर मैं एक मैकेनिक शॉप है, एक अपने मैकेनिक शॉप चला रहा हूं, तो मैं अपनी उस मैकेनिक शॉप का लीडर। तो हमसे भी लोग उस लीडरशिप की क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं। वही क्वालिटी याद कीजिएगा, रखिए, जो आप अपने लीडर से एक्सपेक्ट करते हैं। टाइम पे डिसीजन क्यों नहीं करते जी, या सही फैसले क्यों नहीं करते, और इंटेग्रिटी इनकी नजर क्यों नहीं आती, ऑनेस्टी नजर क्यों नहीं आती, या फैसले में जल्दबाजी कर जाते हैं, स्मॉल कंपोनेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये ऐसी वो क्वालिटी जो कि हम अपने लीडर्स में एक्सपेक्ट करते हैं, हमसे भी एक्सपेक्ट की जाती है, और हमें भी आज की शॉर्ट वीडियो के बाद अपना एक रिव्यू जरूर करना चाहिए कि हम जो हमारे फॉलोअर्स हैं, अल्लाह करे हमारे फॉलोअर्स भी बढ़ते रहें, हम भी अपनी कम्युनिटी में, अपनी फैमिलीज में और अपनी सोसाइटी में एक रोल प्ले करते हैं। रोल प्ले करना चाहिए, कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, थोड़े पैसे वाले हैं, ज्यादा पैसे वाले हैं, ज्यादा रिसोर्स वाले हैं, हम भी लीडर, हमसे भी लोग आते हैं और हमें भी अकाउंटेबल होना है। और ये याद कीजिए, जब मैं अपने आप को, जब से मैंने ये बात सोची, ये मुझे समझ आई है, मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ, मैं अपने आप को अकाउंटेबल समझता हूँ, अपनी करेक्शन करनी शुरू करता हूँ। यार मुझे भी लोग फॉलो कर, मुझे क्योंकि तो देखता होगा तो ऑब्वियसली हाउ शुड आई लुक एंड हाउ शुड आई फील, हाउ शुड आई बिहेव, और मेरी कंट्रीब्यूशन जो है, जब मेरे को डिसीजन मेकिंग है मेरी टीम के सामने। ये तो हम कहते हैं हमारे सीईओ साहब ने, चेयरमैन साहब ने ऐसे फैसले किए, ये हमारी कंट्री के पुराने लीडर ने ऐसा किया। जब हम फैसला करने नजर आते हैं अपनी टीम को, हम कैसा करते हैं, हम सिर्फ यही कहते हैं जी हमारे चेयरमैन ने ऐसा फैसला नहीं किया, अच्छा नहीं किया, तो हम भी वैसा करें। व्हाई कांट वी रियलाइज कि वी हैव अ रोल टू प्ले इन दिस सोसाइटी।
wherever we are, there's a positive role to play, and let us start playing it now. आज से हम शुरू करते हैं अपने आप को responsible leader समझ के, अपने अंदर से एक सोया हुआ या लीडर, अगर हम ऑलरेडी जानते हैं अपने आप को, अपने अंदर से क्वालिटी को चेंज करने की कोशिश करें एज ए लीडर, एज ए लीडर, एज ए फॉलोअर ऑल्सो एंड एज ए लीडर. आप देखेंगे बड़ी पॉजिटिव चेंज सोसाइटी में भी चेंज आएगी, हमारे अंदर तो आएगी, हमारे अंदर के माहौल में भी आएगी, एक ओवरऑल एक सोसाइटी में चेंज आएगी इंशाल्लाह. हमारे साथ रहिएगा, लीडरशिप बात भी होती रहेगी, आज तक की वीडियोज में.